अब ये देखेंगे कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय परीक्षा में समय का प्रबंधन पर फोकस करें, जी टाइम मैनेजमेंट पर। मुख्य परीक्षा के प्रायः सभी प्रश्न पत्रों में एक बड़ी समस्या ये भी आती है कि 3 घंटों या आपके जो भी समय है उसमें सभी प्रश्नों को उत्तर कैसे लिखा जाए, प्रत्येक प्रश्न को कितना समय दिया जाए, सभी प्रश्न किए जाए या कुछ को छोड़ दिया जाए। याद रखिए, सभी प्रश्न किए जाए या कुछ को छोड़ दिया जाए आदि। कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षा में समय का विभाजन प्रत्येक प्रश्न के लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है, किंतु मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस बात को सही नहीं माना जा सकता है ना, ठीक है। शुरुआती उत्तरों का प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और अंत तक उस प्रभाव के आधार पर लाभ या नुकसान होता रहता है, इसलिए शुरुआती कुछ प्रश्नों पर तुलनात्मक रूप से अधिक समय दिया जाना चाहिए। परीक्षा के अंतिम 1 घंटे में अभ्यर्थी को सोचने और लिखने की गति अभूतपूर्व तरीके से बढ़ चुकी होती है, जी, इसलिए अंतिम कुछ प्रश्नों का तुलनात्मक रूप से कम समय मिले तो भी चिंता नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप परीक्षा में समय प्रबंधन की इस रणनीति पर पूरी तरह ना चल सके और अंतिम समय में कई प्रश्न बचे रह जाए। जैसे मान लीजिए कि समय सिर्फ 20 मिनट रह गया हो और प्रश्न 5 या 6 बचे हो, ऐसी स्थिति में भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। अगर आप सभी प्रश्नों में सिर्फ फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख देंगे तो आपको ठीक ठाक अंक मिलने की संभावना रहेगी, तो छोड़ दे, उससे अच्छा कुछ तो आप लिखें। उत्तर पुस्तिका के अंतिम हिस्से तक पहुंचते पहुंचते परीक्षक के मन में अभ्यर्थी के बारे में एक राय बन चुकी होती है और अंकों का निर्धारण प्राय उस राय के आधार पर ही हो रहा होता है। अगर आपके बारे में पहले ही अच्छी राय बन गई है तो अंतिम कुछ प्रश्नों में डायग्राम या सिर्फ बिंदु देखकर भी परीक्षक अच्छे अंक देगा। क्यों? क्योंकि आपके पक्ष में सकारात्मक अभिवृत्ति बना चुका होता है। लेकिन अगर आप कुछ प्रश्न पूरी तरह छोड़ देंगे तो वह चाहकर भी आपको अंक नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपने विवेक अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया। कोशिश करनी चाहिए कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। हाँ, जो प्रश्न अभ्यर्थी को आता ही नहीं वह तो उसे छोड़ना ही होगा। नहीं, अब ऐसा नहीं ना होगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह तू मिले दिल खिले और जिन्हों को का चाहिए और जो मन भरना भर दीजिए। नहीं जी, अगर आप उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान रखते हुए उत्तर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्तर श्रेष्ठ होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपके सफलता की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो